हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डायनाटेक HP 7000 एम्पलीफायर के बैक पैनल का सही सेटिंग के बारे में आपको बताने वाले हैं। आप चाहो तो इसमें बेस चलाने के लिए करें या फिर टॉप के लिए, आप दोनों पे ही कर सकते हैं। वैसे इसको किस मोड में रखना सही रहेगा, गेन मेंटेन कैसे रखें, हाई पास लो पास थोड़ा उलझन में आपको डाल सकता है, और स्पीकर को कटने जलने से हम कैसे बचा सकते हैं, ब्रिज मोड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सब डाउट आज आपका हम क्लियर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो स्वागत करते हैं आपका एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं ProDJ Equipments। चलिए आज के इस बेहतरीन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं डायनाटेक HP 7000 एम्पलीफायर के बैक पैनल का सही सेटिंग कैसे करें। आप चाहो तो टॉप चलाइए, बेस चलाइए, हम आपका दोनों काम करवा देंगे। तो हमको कमेंट किया था इसी वीडियो पे, मतलब कि जो डिटेल वीडियो बना है इस एम्पलीफायर के बारे में, तो उस पर कमेंट आया था एक भाई का कि इसके बैक पैनल का सही सेटिंग कीजिए, और बार बार कमेंट आ रहा था तो हमको इस पर वीडियो बनाना पड़ गया। बाकी ज़्यादा कोई हार्ड सेटिंग्स नहीं है, इजी सेटिंग है, और हम आपका एक अच्छा डाउट क्लियर करने वाले हैं। हाई पास लो पास थोड़ा उलझन हो जाता है माइंड में, हम आपको एकदम प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं हाई पास लो पास एक्चुअली करने से क्या होता है, ठीक है। हम आपको एक DAW पे दिखाने वाले हैं, तो वो भी इंतजाम है। और चलिए सबसे पहले इसका सेटिंग करते हैं, कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आता है इनपुट। तो इनपुट आपको यहाँ से करना है XLR के जरिए। आपको यहाँ पे TRS का ऑप्शन नहीं दिया गया है, आप दूसरे एम्पलीफायर में भी यहाँ से लिंक कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे एम्पलीफायर में मतलब उठा कर। तो मेल फीमेल का जो भी आपके पास वायर है तो उसी से ये काम होगा। तो इसका इनपुट हो गया, अब आउटपुट पे भी आ जाते हैं। आउटपुट के लिए यहाँ पे आपको मिल रहा है स्पीकॉन और बाइंडिंग पोस्ट। बाइंडिंग पोस्ट मेरा फेवरेट है, आपका क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, चैनल 1+, चैनल 2+, ब्रिज 1+, 2+। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ही आपको कनेक्शन करना है। बाकी वो जो जनरल चलते आ रहा है 1+, 1- का, वही कनेक्शन अगर आप स्पीकॉन में करते हैं तो दोनों में उसी तरह से होगा। बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव करके कर सकते हैं। ब्रिज मोड के लिए यहाँ पे ये हो जाएगा कि आपका चैनल 1 हो जाएगा प्लस, और ये जो चैनल 2 का जो रेड वाला है ये हो जाएगा माइनस। यहाँ पे देख सकते हैं वापस से इंडिकेट किया गया है कि किस तरह से आपको स्पीकर में कनेक्शन करना है, ठीक है। और ब्रिज मोड में जब आप इसका सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ से चैनल 1 का वॉल्यूम काम करेगा, चैनल 2 का नहीं। तो सबसे पहले सेलेक्टर स्विचेस का देखते हैं कि यहाँ पे किस में रखना है नहीं रखना है। तो सबसे पहले करते हैं सेंसिटिविटी का काम। तो सेंसिटिविटी आपको रखना है 0.775 वोल्ट पे। उससे ये होगा कि आपका मिक्सर में अगर कम आउटपुट आ रहा है, मतलब कि कम मतलब लेवल में चला रहे हैं, तो आप 0.775 वोल्ट पे ही करें और अच्छा खासा साउंड आपका निकलेगा, बिल्कुल भी फटेगा नहीं। और बाय द वे मिक्सर से अगर कुछ ज़्यादा गेन आ रहा है, कुछ ऐसा कंडीशन है अगर ज़्यादा गेन उठाना पड़ रहा है आपको, और यहाँ से एम्पलीफायर में भी थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैनेज करना है, तो यहाँ पे आप 1.0 वोल्ट या फिर 1.4 वोल्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उससे ये होगा कि अगर स्पीकर कमज़ोर होगा तो भी वो ये चला देगा, बाकी अगर हाई गेन आ रहा है तो आप इस पर कर सकते हैं जो हम आपको बताएं। बाकी अच्छा यही कि 0.775 वोल्ट पे आप रखें, जो कि काफ़ी मस्त रहेगा। तो हम इसी पे चलाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, इसका मोड। मोड हो जाता है इसका ब्रिज पैरेलल स्टीरियो। तो स्टीरियो मोड पे आपको रखना है, तो यहाँ पे दोनों चैनल में आपको इनपुट कर देना है और यहाँ से दोनों चैनल से आपको आउटपुट मिल जाएगा। पैरेलल में अगर आप करते हैं, बाय द वे आपके पास मिक्सर में थोड़ा सा कटौती हो रहा है, मतलब कि आपको बहुत सारे एम्पलीफायर्स लगा दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, अगर एक ही चैनल आपके पास बचा हुआ है और एम्पलीफायर का दो चैनल को चलाना है तो पैरेलल मोड का आप यूज़ करके चला सकते हैं। एक में यहाँ पे इनपुट कीजिएगा तो ये दोनों उठा लेता है, और ब्रिज का मतलब ये हो जाएगा कि दोनों चैनल का पावर को मर्ज करके आपको यूज़ करना है। हैवी स्पीकर है तो ही इस मोड का यूज़ करें, बाकी आप स्टीरियो फिर पैरेलल का यूज़ करें। और एक गाइडलाइन आपको ये फॉलो करना है कि जो भी स्विच का काम करें या फिर कनेक्शन भी क्यों नहीं आप लगाते हो, तो आपको यहाँ से पावर को ऑफ कर लेना है। ये क्लास H एम्पलीफायर है, तो थोड़ा सा अगर रिस्क नहीं चाहते हैं तो ऑफ कर लीजिएगा, तो क्या ही हो जाएगा, बाकी ऑफ करके ही करते हैं। अगर मोड वगैरह को छेड़ रहे हैं तो प्लीज़ ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको मोड के बारे में बता दिए, और ब्रिज मोड में अगर कीजिएगा तो यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देगा। बेस चला रहे हैं, टॉप चला रहे हैं, तो आप
स्टीरियो में ही करके चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे हाई पास और लो पास पे। अगर आप टॉप चला रहे हैं तो आपको यहाँ पे इसको ऑन कर लेना है और लो पास को ऑफ कर देना है। उससे ये होगा कि ज़्यादा जो बेस फ्रिक्वेंसी है वो हमारे टॉप तक नहीं पहुँचेगा और अच्छा खासा बजेगा, स्पीकर नहीं कटेगा, ये इसका सही है। और बाकी अगर बेस चला रहे हैं मतलब 18 इंच सब बूफर वगैरह, तो हाई पास को ऑफ कर लेंगे और यहाँ पे लो पास जो है इसको ऑन कर देंगे। मतलब कि लो के अलावा और कोई फ्रिक्वेंसी यहाँ पे जाएगा ही नहीं स्पीकर में, तो स्पीकर भी अच्छा खासा साउंड करेगा, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा बेस में कनेक्ट करके ऑन ऑफ करके हाई पास में क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, इस पर भी देख सकते हैं। बस मोड को आपको नहीं छेड़ना है। तो यहाँ पे दोनों बता दिए कि टॉप अगर चला रहे हैं तो इसको ऑन कर लेना है हाई पास को और लो पास को ऑफ कर देना है, और बेस चला रहे हैं तो इसको ऑफ करके इसको ऑन कर देना है, उल्टा पुल्टा होता है, ठीक है। और लिमिटर को हमेशा ऑन रखेंगे, उससे ये होगा कि एक हेडरूम मतलब सीलिंग लेवल हो जाता है एम्पलीफायर, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा और स्पीकर आपका नहीं कटेगा, चाहे कोई भी हो 15 इंच हो या फिर 18 इंच हो। तो अगर लिमिटर ऑफ रहता है तो वो मतलब इसको उड़ा ही देगा, मतलब जल जाएगा वो स्पीकर कोई भी रहे। अगर ज़्यादा गेन वगैरह आ जाता है अचानक से, तो अगर लिमिटर ऑन रहता है तो हमेशा आपका स्पीकर बच जाएगा। ज़रूरी नहीं है अगर फिर भी ज़्यादा दे रहे हैं तो जाएगा ही जाएगा, बस कनेक्शन का इसका जो गेज है आउटपुट वायर का वो भी अच्छा खासा रहे और पोलैरिटी हमेशा सही रखें। अगर ये भी होता है कि कभी कभी कि एक हम आपको एक प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, इनपुट आ रहा है यहाँ पे बहुत बढ़िया, आपका कनेक्शन भी सही आ रहा है बहुत बढ़िया, लेकिन एक क्या हुआ कि प्लस इसका माइनस कर दिया और माइनस मतलब उल्टा पुल्टा हो गया, अगर किसी तरह से भी आपका क्या होगा कि बेस वो कट ऑफ हो जाता है। तो वो आपको अगर सही करना है तो बैटरी वगैरह से देख लीजिएगा, स्पीकर का जो कनेक्शन आपने किया कैबिनेट के अंदर में वो भी सही रहे, तो उससे आपका कनेक्शन से सही साउंड निकलेगा। तो ये सब भी मैटर करता है। जरूरी ये नहीं कि आपके पास अच्छा खासा तगड़ा एम्पलीफायर है तो आप नंबर वन बनेगा या फिर नंबर वन बजेगा, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपके पास सही वायर हो और आपका सही कनेक्शन हो, तो नंबर वन होगा तो नंबर वन बजेगा, ठीक है। तो ये मैटर करता है। वायर के कारण अच्छा खासा सेटअप जो है मतलब फेल हो सकता है और वायर के कारण ही चमक सकता है। तो एम्पलीफायर तो है ही, बाकी वायर का भी अहम रोल है, तो इस सब चीज़ को आपको मेजर करना है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें इसके बैक पैनल के सेटिंग के बारे में। आइए थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल हम आपको दिखा रहे थे, तो इसको करते हैं यहाँ से क्लोज। तो आते हैं अपने DAW पे, ये मेरा FL स्टूडियो जहाँ पे हम अपने म्यूजिक प्रोडक्शन का काम करते हैं। आपको अगर पता नहीं है तो आप सर्च कर लीजिएगा, बाकी रंगदार कलाकार वगैरह, ठीक है। और हम कोई अपने चैनल का प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि हम यहाँ पे काम करते हैं, आप चाहो तो देख सकते हैं। तो ये है हमारा EQ सेक्शन जो हम अभी आपको यहाँ से इसके पैनल के बारे में बता रहे थे, हाई पास लो पास, ये एक्चुअली में काम कैसे करेगा। बाई दी वे आपके पास टॉप लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से गए इसके और वहाँ से आपने क्या किया एम्पलीफायर में हाई पास कर दिया, मतलब हाई पास को ऑन कर दिया, तो यहाँ से क्या होगा हाई पास ये होता है, मतलब कि ये जो है सब बेस फ्रिक्वेंसी जो कि हमारे टॉप में नहीं चाहिए टॉप के स्पीकर को, तो यहाँ से वो कट ऑफ हो जाता है। तो ये क्या हुआ, बेस सेक्शन ये कट ऑफ हो गया जो कि सब बेस फ्रिक्वेंसी नहीं गया उतना हर्ट्स का, तो वो स्पीकर जरूर नहीं कटेगा। अगर ऑन है तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते बाकी, ठीक है। इसको कर देते हैं लो सेल पे, और वही अगर लो पास करते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो मतलब हाई वाला जो फ्रिक्वेंसी है उसको वो कट ऑफ कर देता है। यहाँ पे ये होता है, देखिए यहाँ पे गए लो पास को जो ऑन किए, ये ऑन हो गया मेरा। यहाँ पे जो मतलब हाई फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे मिड हाई मिड और ट्रेबल, देखिए इसको जूम कर देते हैं, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये क्या कर दिया, इसको कट ऑफ कर दिया। बाकी जो ये सब बेस का जो फ्रिक्वेंसी है बस उतना ही ये कर सकता है, उससे ज़्यादा ये भागेगा ही नहीं। तो वही होता है इस एम्पलीफायर के बैक पैनल में, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो अभी हम आपको दिखा रहे थे हाई पास को ऑन करने से यही होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इस चीज़ को, हम आपको बेहतर तरीके से बता दिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो डायनाटेक HP 7000 एम्पलीफायर के सभी सेटिंग के बारे में। हम आशा करते हैं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस एम्पलीफायर के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पे टैप करके देख सकते हैं, पूरा डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। साथ में इस वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, स्टे ट्यून, बाय बाय।